अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे घर में यस, मैं बाहर बैठा था और वहाँ पे ये मुझे तो दिख रहा है काइट ही दिख रहा है, थोड़ा इंजर्ड हुआ है, जख्मी है, और उसके पीछे कौवे उसको अटैक करते हुए आ रहे हैं। मैंने पानी रखा हुआ है, अभी देखेंगे अगर चिकन खाएगा या ब्रेड जो भी है, हम ज्वारी भी आस्ते आस्ते लेके आने वाले खिलाएंगे, देखते क्या। ये बात दिस इज स्पेशल मोमेंट इजंट इट। जो दोपहर को हम कह रहे थे कि ये बर्ड बहुत तकलीफ में है, अभी स्लोली स्लोली मुझे दिख रहा है कि रिकवर होते हुए, मगर एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं सर्प से जो ये सारी मुसीबतें इनकी दूर करते हैं। हमारे साथ है संतोष और चैतन्य, वे उनको वहाँ तक लेके जाएंगे वो लोग, और जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं उनका टच कुछ अलग ही होता है, तो उनके हाथ में चोट लगता है। बाहर घेऊन जायचं ना, ते इकडे गेलं तर आय थॉट भरपूर जास्त डिफिकल्ट असेल, मुझे लगा की बहुत मुश्किल रहेगा, मगर वी ऑल्सो नॉट मोर देन 5 सेकंड्स लिटरली, बेसिकली इट्स अ कॉमन बर्ड नेम्ड एज ब्लॅक काइट अँड इट्स ज्युवेनाइल, अँड थोडस डिहायड्रेशन आहे, त्याला थोडा डिहायड्रेशन आहे, but I don't think so it will take much time to get cured, hardly okay. 10 to 5 days oh, or more than that, so that's and then fantastic. We can back release to in the wild fir udh payega fir excellent mera message yahi hai ki agar kahin aise koi bhi animal ya bird musibat mein rahe clearly aapko dikhta hai ki sir not in a position to fly to sir ko phone kijiye हेल्पलाइन नंबर आप कहना चाहेंगे जरूर 9821-34056 हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये उनका ख्याल रखेंगे इट इज एक्सट्रीमली सैटिस्फाइंग बिलीव मी आई एम श्योर यू विल डू इट थैंक यू काफी डिहाइड्रेट हुआ है तो हम यही कोशिश कर रहे थे थोड़ा बॉडी टेम्परेचर नीचे लाने के लिए आई थिंक जब हम क्रिकेट खेलते थे तभी भी यही मुसीबत होती थी धूप में खेल के बॉडी टेम्परेचर बहुत ऊपर जाता था तो आइस बाथ लेते थे तो दिस इज काइंड ऑफ एन आइस बाथ गेट वेल सून माय फ्रेंड तीन दिन पहले इन्होंने मुझे कहा था कि इसे 5 से 10 दिन लगेंगे रिकवरी के लिए मगर सर्प एनजीओ ने कमाल कर दिखाया 3 दिन में सिर्फ रिकवर किया है इसे इसका ख्याल रखा है एंड द बर्ड इज़
फिट एंड फाइन टू फ्लाई. मैं यही कहूँगा कि माई फ्रेंड यू आर मेंट टू फ्लाई, सो टेक ऑफ, कम ऑन. That's good. मेरा मैसेज यही रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी गर्मी हो रही है, जैसे सर एनजीओ से भी मेरे सारे दोस्त यही कह रहे थे ना, अगर लोग उनके घर के बाहर या अपने टेरेस पे भी एक छोटे बर्तन में पानी रखेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर पानी रखेंगे घर के बाहर.